भाई। और ये बहुत अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभा रही है, ये देखो इसके बैग वैग अच्छे से टांग रखा है। तो बेसिकली आज फ्राइडे के दिन पे तो हमारे यहाँ पे ना ये सोयाबीन की दाल आती है और ये फ्राइड राइस है और रोटी की शक्ल तो तुम देख सकते हो, मतलब मर मर के खाना पड़ रहा है यार बस मेरे को। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठीक हूँ। और फिलहाल मेरे को ट्रेन पकड़नी है बिकॉज मैं जा रही हूँ आज दिल्ली, और दिल्ली आज मैं जा रही हूँ अकेले। फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली अकेले जा रही हूँ, वैसे तो मैं अकेले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ बट फर्स्ट टाइम दिल्ली, तो फर्स्ट टाइम है। तो घर से बहुत मुश्किल से परमिशन भी मिली है इसके लिए कि मेरे को अपनी दोस्त के पास जाना है घूमने के लिए। आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं आ रही थी और दीदी को स्कूटी की चाबी नहीं मिली, तो वो नहीं आई मेरे साथ मेरे को यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। बहुत देर तक ढूंढती रही, फिर मेरे को भी अकेले ही निकलना पड़ा क्योंकि नहीं निकलती तो ट्रेन निकल जाती, इसलिए। तो अभी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभा रही है, ये देखो इसके बैग वैग अच्छे से टांग रखा है। बैग दिखा, कंधे दोस्त ऐसे ही होते हैं। और अब हम जा रहे हैं मेट्रो। गाइस हम बैठ रहे हैं मेट्रो में, हम अंदर आ चुके हैं लॉक के चक्कर में। ये चल क्यों नहीं रही है? There's not much to do when all I can is thinking about you. इतनी जल्दी नहीं आना था राजीव चौधरी। There's not much to do when all I can। हम इतनी जल्दी पहुंच चुके हैं गाइस, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। 2-3 मिनट में केवल हमने मेट्रो में बैठे और उतरे, इतनी भी जल्दी नहीं आना था हमने। बट अभी आगे भी हम मेट्रो में बैठे हुए जाएंगे। तो मेट्रो में मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं बैठी हूँ, बहुत बार पहले भी मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ मेट्रो में, लेकिन उसका एक अलग ही मज़ा है। उसने मेरे को बोला कि तेरे को दिल्ली की कुछ बेस्ट चीज़ खिलाती हूँ मैं जो मेट्रो स्टेशन पे बहुत बेस्ट मिलती है। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या होगी, तो वो था स्वीट कॉर्न, जो कि खाने में वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत यम्मी था। ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे ये आंटी बहुत फेमस है पास्ता के लिए और मोमोज के लिए, तो हम यहीं पे आए हैं। और आंटी के रील्स भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, और अभी आंटी पीछे देखो। तो यहाँ पे हम लोग खाने आए हैं पास्ता और जूस पियेंगे, इसको जूस ही पियेंगे। तो मैं और मेरी दोस्त आ गए हैं उसके हॉस्टल पे, और रूम थोड़ा मैसी मैसी है तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी। और रूम पे आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब आ गया है हमारा लंच। लंच मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आज के दिन हॉस्टल में अच्छे वाला खाना मिलता है, मतलब लग्जरी वाला खाना, तो आपको दिखाऊंगी। पता नहीं आपके लिए वो होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। ये क्या क्या खाने में है आज हमारे,
तो बेसिकली आज फ्राइडे के दिन पे तो हमारे यहाँ पे ना ये सोयाबीन की दाल आती है और ये फ्राइड राइस है और रोटी की शक्ल तो तुम देख सकते हो, लाइक मतलब मर मर के खाना पड़ रहा है यार। बस मेरे को जो सबसे अच्छा लग रहा है ये लग रहा है जिसको हम एक गिलास और लेके आएंगे अभी हफ्ते में एक ही ये वाला मिलता है बस, और रोटी की शक्ल देख सकते हो ये देखो, हॉस्टल का खाना है ये, हम जी रहे हैं मर मर के बस। लेकिन आज के दिन वो बोलिए कि ये बहुत अच्छे वाला खाना है, आज के दिन का ये वाला खाना मेरे लिए बेस्ट होता है, तो रोटी को छोड़ दो तो तोड़ तोड़ के हम चूहे की तरह खा जाएंगे। लोग खा लेते हैं खाना और खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे शायद से सरोजनी बाजार, क्योंकि अगर दिल्ली आए अगर सरोजनी नहीं गए तो फिर कहाँ गए, तो पहले हम खाना खा लेते हैं फिर आप लोगों से फिर से मिलते हैं। और ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ सरोजनी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि अगर दिल्ली आए हैं तो सरोजनी नहीं गए तो फिर क्या ही किया हमने। और मेरी रूममेट बोल रही हूँ यार, मेरी दोस्त, मेरी जिगरी यार मेरा वीडियो शूट कर रही है। तो गाइज अब हम चलते हैं और आपको वहीं पे मिलते हैं, दिखाएंगे आज आपको सरोजनी मार्केट कैसा है। वैसे आप बहुत सारे वीडियोस में देख चुके होंगे, सस्ता सस्ता सामान हम खरीद के लेके आएंगे वहां से, 100-100 रुपए में टॉप। लेट्स सी लेट्स सी